Hello students, welcome once again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts, unit number 10. The name of chapter is trial balance for the 11th commerce English medium. This is lecture number 3 for this chapter. So without wasting any further time, let's have a glance of previous lecture. So kya baat kar rahe the? Asset ki debit balance hoti hai, expense ki debit balance hoti hai, liability ki credit balance hoti hai aur income ki credit balance hoti hai. Iske alawa agar baat kar rahe to capital ki credit balance hoti hai. ड्राइंग्स की डेबिट बैलेंस होती है, ठीक है, और परचेज की डेबिट बैलेंस होती है, सेल्स की डेबिट बैलेंस होती है. तो कुछ बैलेंसेस जो है वो जर्नल एंट्री के हिसाब से आपको याद रह जाने चाहिए. कि जैसे परचेज था तो क्या लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सेल्स था तो क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब सेल्स की क्रेडिट बैलेंस हुआ करती थी. सो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. नाउ इलस्ट्रेशन 5 है, आज हम इलस्ट्रेशन 5 करने वाले हैं. देखिए क्या है इलस्ट्रेशन 5. सो इलस्ट्रेशन 5 कहता है टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2016 ऑफ श्री अतुल आर नॉट आइडेंटिकल. मतलब किसी अतुल भाई साहब ने ट्रायल बैलेंस बनाया लेकिन दोनों साइड का टोटल आइडेंटिकल नहीं है. मतलब बट ऑब्वियस है, अतुल या तो 11th में पढ़ता होगा या उसको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आता, इसलिए रॉन्ग है. सो असर्टिंग द एरर एंड प्रिपेयर द मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस, हमें नया ट्रायल बैलेंस बनाना है. तो ऐसा समझो कि ये ट्रायल बैलेंस है ही नहीं, है ना, ये कुछ और ही है. आपको लास्ट लेक्चर की तरह पहले बैलेंसेस लिखने हैं. चलो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक हमारा असेट है तो इसकी होती है डेबिट बैलेंस. एक काम करता हूँ, डेबिट के लिए मैं डी लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है. बैडेड रिजर्व, रिजर्व की है ना क्रेडिट बैलेंस होती है, ध्यान रखना. और क्या बोलते हैं, क्रेडिट के लिए सी लिख रहा हूँ. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है तो इनकम जो है वो क्रेडिट बैलेंस होती है. परचेस की डेबिट बैलेंस होती है. सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा. कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है. परचेस रिटर्न, परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न होगा क्रेडिट. मोटर कार, आप मोटर कार असेट है हमारा, असेट का होगा डेबिट बैलेंस, ओके. वेजेस, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का होगा डेबिट बैलेंस. टेलीग्राम पोस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का होगा हमारा डेबिट बैलेंस. ये टेलीग्राम पोस्ट कौन सा है, आपका आप जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो नहीं है, उसका कोई खर्चा नहीं होता, वो फ्री होता है. टेलीग्राम पोस्ट मतलब चिट्ठियाँ भेजने का खर्चा है ना, जो लेटर्स हैं वो सेंड करने का एक्सपेंस. सेल्स, सेल्स की क्रेडिट बैलेंस होती है. इन्वेस्टमेंट असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है. सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट बैलेंस होता है. क्यों, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट. कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है. बिल्स रिसीवेबल असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा. डेटर असेट है, डेबिट बैलेंस होगा. रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा. इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा. कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा. ध्यान रखना कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंस है. मतलब माल लाने का खर्चा और माल भिजवाने का खर्चा, जब हम कस्टमर को फ्री होम डिलीवरी देते हैं तो उस टाइम पे जो एक्सपेंस पे किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड, ठीक है. और जब गुड्स परचेस करते हैं तब जो खर्चा करते हैं उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड. सो होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट. नाउ आगे बचा हुआ देख लें क्या बच गया, जस्ट अ सेकेंड. या नाउ ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की डेबिट बैलेंस होती है. एज वी नो कैश डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है हमारा. बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा. बैंक ओवर ड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा. सनरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा. क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस. बैड डेट एक्सपेंस है क्योंकि लॉस हो गया तो लॉस भी डेबिट होता है. टैक्स एंड इंश्योरेंस आप पे करने वाले हो वो भी डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एक्सपेंस है. बैंक से लोन लिया है लाइबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस होगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम सुनते ही डेबिट बैलेंस. लैंड एंड बिल्डिंग असेट है वो होगा डेबिट बैलेंस. इज दैट क्लियर. सारा बैलेंसेस लिखने के बाद एक नया ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करोगे. उस नए ट्रायल बैलेंस में जो मैंने डी आर लिखा है, ठीक है, वो डेबिट साइड, और सी और सी आर है वो क्रेडिट साइड लिखोगे. इज दैट क्लियर. सो ये प्रिपेयर किया है हमने ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अतुल एज ऑन 31/3/2016. यहाँ डेबिट बैलेंसेस और यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस. अब मैं ये नहीं बताने वाला ये कैसे फिल किया है मैंने,
थोड़ा बहुत बता देता हूँ वापस से, चलिए आइए। जैसे कि ये है ओपनिंग स्टॉक, सो एक मिनट, जैसे कि ये है ओपनिंग स्टॉक, तो डेबिट है तो ओपनिंग स्टॉक आपको डेबिट में लिखना है, कहाँ लिखना है, डेबिट में। तो ओपनिंग स्टॉक में भी आप देख सकते हो ये रहा ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इन लोगों ने कहीं और लिखा, आगे पीछे लिखा हुआ है, आपको कोई आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटर मतलब कि स्टार्टिंग से, पहली लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, 22,500, समझ में आ गया। देखिए 22,500 गया, उसके बाद बैड डेट रिजर्व, सो बैड डेट रिजर्व क्रेडिट है तो क्रेडिट में मिलना चाहिए। चलिए देखिए क्रेडिट में है BDR, सबसे पहला ये देखिए यहाँ पर बैड डेट रिजर्व 2400, फिर इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट है, चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रहा देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। देन परचेस, परचेस आप देखो डी लिखा है मतलब डेबिट, ये अमाउंट, सो डेबिट में 2,25,000, अब चेक करो डेबिट में ये रहा, आप देख सकते हो परचेस अकाउंट 2,25,000। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, ओके। इफ इट इज क्लियर देन राइट द डेबिट बैलेंसेज ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑन द क्रेडिट साइड एंड डू द टोटल ऑफ इट। सो इफ यू डू द टोटल ऑफ इट, इट विल बी 5,39,400 फॉर डेबिट साइड एंड 5,39,400 फॉर द क्रेडिट साइड। सो होपफुली दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर होमवर्क इज इलस्ट्रेशन 1 नहीं करना है, ठीक है, योर होमवर्क इज इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5 एंड 4, 5, 6, 7, दैट्स इट। बाय बाय, थैंक यू।